हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। उत्तर पूर्वी जिला के अशोक नगर इलाके में एक शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि शुरुआती हालत में ये बता रहे हैं कि शिल्पी जो मृतका है जो परेशान होकर खुदकुशी की है, लेकिन परिवार का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। इस सिलसिले में ज्योति नगर थाने ने लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस इस सिलसिले में शिल्पी के ससुराल के दूसरे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले की जांच SDM सादरा कर रहे हैं। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शिल्पी का परिवार अशोक नगर इलाके में रहता है। वहीं DCP ने भी कहा है कि इस मामले में जो ज्योति नगर थाने ने मामला दर्ज किया है। सुने इस पर परिवार वालों की बाइट। फोन आया जी। किसका फोन आया था, क्या बताया गया? मामा जी का फोन आया था कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। अच्छा, हम तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचा। मैं कौन सा अस्पताल पहुंचे? गुरतेग बाद में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वहां देखा हॉस्पिटल में घुसते ही कि बताया गया बाहर से कि एक्सपायर हो गई, तो खत्म है। तो क्या बताया गया, किस वजह से, क्या बीमार थी, क्या हुआ, क्या बताया जी वहां पर? अच्छा, ये पता लगा बाहर से ही खत्म हो गई। खत्म कैसे हुई, मतलब एक्सपायर कैसे हुई, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। क्या सुसाइड किया था या कुछ, कैसा? कुछ बताया नहीं जी। कुछ भी नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपके केस में अभी, कुछ बता रही है पुलिस? कुछ नहीं बता रही। भैया क्या नाम है आपका? भैया भैया क्या पूरा मामला है, क्या कैसे ये घटना घटी? हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए उसे परेशान करना। तेरी माँ ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसके हमारे व्हाट्सएप पे उसके काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जिसमें उसने साफ जिक्र कर रखा है कि सास परेशान कर रही है, परेशान कर रहे हैं। तो क्या दहेज के लिए परेशान करते थे? दहेज के लिए परेशान करते थे क्या? कोई ऐसी डायरेक्टली बात करी? उन्होंने डायरेक्ट बात ही नहीं करी। कोई डिमांड या कुछ ऐसा? डिमांड सर कुछ नहीं है, शादी के टाइम पर इनकी कार की डिमांड थी जी। जो मामला सुनने मारे, शादी टाइम पे कार की डिमांड थी, हमारी बहन ने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। फिर जैसे तैसे ये रिश्ता हो गया, शादी वादी हो गई इसकी, जब से इनके तुक्के बजीते हो रहे थे हर एक चीज़, छोटी चीज़ पर, कि मेरी माँ को ये नहीं दिया, मेरी माँ को वो नहीं दिया, मेरे बाप को वो नहीं दिया, ये चीज़ नहीं दी। हमारे मौसम का बिल्कुल बजट नहीं था, फिर भी उन्होंने सारा कर्जा पानी लगाकर उन्होंने शादी की बेटी की। और आज जो मामला आपके सामने सर, जानकारी लगभग 1 बजे करीब, 1:15 बजे करीब मेरा फ़ोन आया था कि शिल्पी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो सीरियस हालत है, वो GT में भर्ती है। उसके बाद घंटे बाद हम गए परिवार को लेके गया, हमें तो लगभग 1:30 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे देखा तो मैंने खुद आंखों से लड़की डेथ पड़ी थी और उसकी गर्दन पे निशान था। अच्छा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इसने भी ज्योति कर, उनके SHO साहब आए थे, संजीव कुमार ASI थे जो केस को डील कर रहे हैं जी। तो उन्होंने जो बॉडी की फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, तो मैंने कहा जी मैं लड़की का मामा लगता हूँ तो मैं फ़ोटो ले सकता हूँ क्या? तो SHO साहब ने मना कर दिया था जी कि फ़ोटो हम ले रहे हैं, आपको हम फ़ोटो दे देंगे। अच्छा, तो सर क्या लगता है, क्या मर्डर है, सुसाइड है, क्या है सर? इसके लिए हमें तो डाउटफुल है जी, अभी इस बारे में क्लियर करना ठीक नहीं है। वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी जब भी क्लियर हो पाएगा सर। लेकिन लड़की जो है, हमारी जो भांजी है, जब से शादी हुई है वो दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी थी। शिल्पी जिसकी मृत्यु हुई है, मेरी बहन मुझे सारी चीज़ें डिस्कस करती थी, ये हुआ है, उसकी सास हमेशा उसको परेशान करती थी, बड़ी वाली जो ननद थी पूरा टाइम घर पर रहती थी। उसके बाद ये सारी छुपड़ियाँ करना, और पति उसको कभी सपोर्ट नहीं करता था, हमेशा मामा करता रहता था। लास्ट में कोई मैसेज ऐसा आया हो कि हमेशा वो बोलती थी सास परेशान करती है, 10 महीने से परेशान कर रखा है, मेरे फादर मेरी मदर जाते थे वहाँ पे, उसको लेके आते थे, लेकिन उसको ऐसे कर रखा था कि कभी भी वो हमेशा हमें बता देती थी जाओ हमें अपना घर बचाना है। कितनी उम्र है जो एक्सपायर हुई है? 28 साल। कोई बच्चा है इनका? 4 महीने का। 4 महीने का बच्चा है बेटा।